सो आज ना आपको करवाएंगे हम होम टूर और आप भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश होंगे और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। आज आपको ना हमारा घर अंदर जाके बहुत ही पसंद आएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने डाल दी है, लेकिन अभी भी कुछ जो चीज़ें ना वो हमें डालनी है। लेकिन बात यह कि अभी तक हमें इनाम पूरा नहीं मिला और हमारे बहन भाई ये कह रहे हैं कि 1 तारीख 2 तारीख तक ना आपको इनाम देंगे। 5-6 हमारे बहन भाई उन्होंने कहा है, तो उसी के बाद और भी चीज़ें हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो कुछ चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, अभी भी कुछ रहती है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये हमारा टॉमी भी सुबह सुबह आ गया है, जैसे आपने नाम बता दिया कुत्ते का, तो कुत्ते का नाम हमने रख दिया है टॉमी। और गोरी भी आज बहुत ही खुश है कि आज हम करवाएंगे आपको क्या गोरी, होम टूर। सो इस टाइम सुबह के बजे 9:30 हमारे तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम। सो आज ना हम बहुत ही खुशी है, आपको भी बहुत ही खुशी होगी। तो अभी चलेंगे अंदर और अंदर के नज़ारे आप दोस्तों को दिखाएंगे कि हमारे कमरे में क्या क्या चीज़ें आ गई है। और हम दोनों गाइस अभी जा रहे हैं कमरे में, तो आपको जितनी भी चीज़ें वो दिखाएंगे और साफ़ सुथरा इंशाल्लाह इस कमरे को रखेंगे। जैसे कि इसको कितना भी हम साफ़ सुथरा रखते थे, पहले भी साफ़ सुथरा नहीं होता था क्योंकि ये आंगन वगैरह टूट गया था तो खास अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखो गाइस इसका आंगन कितना सफेद और प्यारा देखने में आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये जो दागे गाइस ये हम कुछ दिन छोड़ देंगे, जैसे कि आप भी कमेंट कर रहे थे कि कुछ दिन छोड़ दें उसी के बाद कलर करना। तो जैसे ज़्यादा तक ये दाग थे वो मिट गए, अभी थोड़े बहुत हैं ये इंशाल्लाह मिट जाएंगे। और जैसे गाइस आप पेटी का कह रहे थे, तो आपसे पहले हमने पेटी सेट कर दिए और पेटी गाइस कुछ इस तरह हमने डाली है। पेटी अभी इधर रहेगी, ये कुर्सियाँ हम ले के आए, कुर्सियाँ इधर रख दिए। ये देखो गाइस सेटिंग से कितनी प्यारी और अच्छी लग रही है। और ये देखो गाइस इस तरफ हमने आईना भी डाल दिया, आईने में चेहरा वगैरह देखने के लिए। और बाकी इस तरह का कुछ हमने बनाया है, गोरी बल्ब ऑन करो। तो ये देखो गाइस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत कुछ है। और जैसे गोरी ने, और ये छोटा पर्स गोरी ने इधर डाल दिया है, और ये बड़ा पर्स गोरी का, ये कैप और कुर्सियाँ हमने आपको दिखा दी, इधर डाल दिए। और ये हमारे बिस्तरे हैं थोड़े बहुत, और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें गाइस इस पेटी में। तो ये देखो गाइस इसमें पेटी में जैसे कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये गोरी का न्यू सूट वो है, तो ये और गोरी के सूट हैं, ये हमारे बिस्तरे वगैरह सूट वगैरह, ये इसमें सिर्फ मतलब बिस्तरे और सूट ही हैं और कोई खास चीज़ नहीं है। तो ये देखो माशाल्लाह इसमें मैं आपको दिखा दिया गाइस। और ये खिड़कियाँ वगैरह, और ये गोरी का पर्स, और ये हम घड़ियाल लेके आए, जिसको हम घड़ियाल भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं। तो ये टाइम वगैरह देखने के लिए खूबसूरत भी लग रही है। जैसे कि ये कुर्सियाँ हमने लिए 4,000 में, सही है, और ये घड़ियाल लिए 500 रुपए में, और ये ऐना लिया है 200 रुपए में। जो बर्तन कम थे वो भी हमने ले लिए, माशाल्लाह ये देखो गाइस कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। और ये जितने बर्तन कम थे ना वो हमने लिए, अभी भी बहुत बर्तन कम है, वो इंशाल्लाह हम लेंगे, आप इनाम देंगे ना उसी के बाद इंशाल्लाह। ये अलग नाम है, और ये भी माशाल्लाह। तो ये दोनों इस तरफ हमने डाल दिए, हमने सोचा गाइस इस तरफ भी डालते हैं, लेकिन इस तरफ गाइस आप बताएं हम डालें या ना डालें, ऐसे अल्लाह के नाम और भी हम ले के आएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पाँव हैं इस तरफ हो जाते हैं, तो उस वजह से इस तरफ हमें अभी पता नहीं है कि डालेंगे कि नहीं। आप कमेंट करना कि इस तरफ हम डाल दें कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर होंगे नीचे नहीं होंगे, और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस वजह से इस तरफ हमने अल्लाह का नाम नहीं डाला, इस तरफ डाल दिया है। और ये हमारे बर्तन वगैरह देखें गाइस माशाल्लाह कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। और ये अब इसको धुलाई की जरूरत है, इसको धुलाई करके अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखो गाइस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है। गोरी अब देख खबर, आपको ये घर अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी सुकून भी है नहीं? और गाइस इसमें नींद भी हमें बहुत अच्छी आती है, ठंड वगैरह नहीं लगती उस घर में, हमें ठंड लगती थी और इस घर में हमें कभी कभी गर्मी लगती है। एक चीज नहीं दिखाई, कौन सी? उधर देख, ओए ये तंजिला की चैंपल, ये देख गाइस तंजिला की चैंपल, जैसे तंजिला क्यूट छोटी उस तरह ये चैंपल भी क्यूट छोटी। और ये बर्तन है हमारे, मैं आपको नजदीक करके अच्छे से दिखा दूं, और अभी भी बर्तन अच्छे खासे कम में, वो इंशाल्लाह हम बर्तन लेके आएंगे और तकरीबन 2-3 दिन में और भी चीजें लेनी है इस घर में। काश गाइस एक ना अलमारी वो नहीं होती बड़ी, वो आ जाती, दूसरा ये बेड आ जाते ना, तो ये घर बहुत अच्छा लगता। और बेड अलमारी हमने पूछी वो तकरीबन 20-25 हजार, और हमें इतना इनाम अभी तक नहीं मिला है, तकरीबन एक भाई ने भेजे तकरीबन कोई 8-9 हजार रुपए। जैसे आप चार पाइयों का कह रहे थे इस तरफ डालें, इस तरफ रोशनी थी तो उस वजह से हमने कहा ये चीज़ें सही है, अच्छी दिखने में आएगी। और ये जो चार पाइये हैं इस तरफ डाल देते हैं, इस तरफ थोड़ी बहुत ऊंधा है, तो एक चार पाई ये, एक चार पाई ये, तो ये मेरी है, ये गोरी की चार पाई, तो बीच में ये जाए पड़ी है ऐसे जाने की। और उसी के बाद ये गाइस ले लिया है लकड़ी का, इसमें पर्स वगैरह और आईने और दाढ़ी का सामान, शैम्पू वगैरह ये हमने डाल दिए। और लाइटिंग सिस्टम मैंने कुछ इस तरह किया है, लेकिन ये तारें ये बैर ये मुझे खास अच्छी नहीं लग रही, सोच रहा हूँ कि दीवार को काट के उसके अंदर डाल दूँ, लेकिन ये कच्ची तार शायद इसने को ख़राब हो जाए। और ये बोर्ड भी गाइस, ये बोर्ड वाला हिस्सा ये
अंदर जाएगा सही है, लेकिन ये भी हमने काटा नहीं है, इस तरह सेट कर दिया है। और ये कंट्रोलर है और ये नीचे बैटरी है, ये करंट देती है। और मोबाइल चार्ज कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखना गाइस मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा सिर्फ पिन डालने की जरूरत है। और इधर मैंने सेटअप अच्छा बना दिया है और ये देखना है, ये देखो गाइस चार्ज होना शुरू हो गया है। तो ये निकाल दो, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा ये निकाल दूंगा, फिर ये करंट नहीं देगा और ये बल्ब ऐसे बंद हो जाएंगे। ये देखो गाइस, और एक उधर बल्ब डाला है, दो बल्ब अभी डालें इंशाल्लाह। और भी मतलब ये एक बटन है बैर वाला बल्ब, वो डालना है, लेकिन तार अभी कंप्लीट नहीं हो रही तो उस वजह से। तो इसको मैं जला देता हूँ, थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही है। यकीन करें गाइस ये घर ना हमें बहुत अच्छा लगा है, आपको पता नहीं कैसा लगा लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। और आप कमेंट कर रहे थे कि बीबी का जो आपने बिस्तर लिया ना वो थोड़ा छोटा है। हाँ थोड़ा छोटा है, क्योंकि उस टाइम हमें जल्दी थी तो उस वजह से हमने देखा नहीं। और गौरी अभी क्या करेंगे, अभी तो नहीं वापसी लेगा, नहीं लेंगे वापसी लेंगे नहीं देखेंगे गाइस। अगर वापसी लेंगे ना तो कभी एक दो दिन में हमारा कोई काम हो गया शहर जाने का तो फिर वो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि गाइस वो शायद ना लें क्योंकि उसमें ना मतलब खोल दिया हमने सारा नहीं। और एक दिन सोई भी थी ना, एक रात तंजिला को सुलाया भी है। तो ये पड़ा रहे इंशाल्लाह, या तो उस भाई के जो छोटा बेटा उसको दे देंगे सही है, या तो हमारा भी हो जाएगा, अल्लाह पाक देगा। अभी भी गाइस एक काम वाली चीज मैंने आपको नहीं दिखाई, ये देखेंगे गाइस ये तंजिला बेटे की बर्तन। और अभी भी गोरी है क्या, अभी इधर है, इधर एक ये छोटा है, एक वो, एक ये छोटा है। तो ये भी एक छोटा बड़ा है तंदला बेटी का। तो ये इसको हम सेट करके रखेंगे। अभी अंदर क्या काम का है, अंदर इसको सफ़ेद कलर करना है, जारे को इधर ऊपर सफ़ेद कलर करना है, थोड़ा नीचे सफ़ेद कलर करना है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे फारिक टाइम। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये हमारा घर कैसा लगा। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस घर को हम साफ़ सुथरा और अच्छा रखेंगे। और ये ना बहुत अच्छा हमें लगता है, क्योंकि वो घर ना हमें इतने खास अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें कितनी भी सफाई हम कर दें पैर भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इस घर में ना हमें बहुत ही सुकून आता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो गाइस कहीं से भी गंदगी वगैरह आपको देखने में नहीं आई, साफ सुथरा अच्छा घर। और दरवाजे वगैरह मतलब खिड़कियाँ वगैरह दीवार वगैरह सारी मतलब सफेद अच्छी देखने में आ रही है, पेटी वगैरह बर्तन वगैरह। और ये टेबल वगैरह देखो कहीं से मिट्टी वगैरह आपको देखने में नहीं आई। और फर्श वगैरह नीचे देखो गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह इस घर को ना हम और ज़्यादा खूबसूरत करेंगे। दो चीज़ें गाइस हमारी रह जाती है, एक ये कि बेड, दूसरा गोरी क्या अलमारी। और गोरी ये दोनों सपने थे लेकिन ये अभी तक पूरे नहीं हुए, इंशाल्लाह ये सपने पूरे हो जाएंगे। और ये चैपल देखो गाइस गोरी, ये वाच गाइस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो गाइस वो प्यारी और इस घर में बहुत अच्छी लग रही है। ये था होम टूर, आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। और हमें ना बहुत अच्छा लगता है ये घर, क्योंकि इस घर में हमें दिल लगा के मेहनत की है और बहुत अच्छा लगता है। अभी भी गाइस ऐसे नहीं है घर ये कंप्लीट हो गया, अभी भी इस घर में काम है। जैसे मैंने इसको पहले दिन से बनाना शुरू किया इतने तक ना मैंने वीडियो बनाई है वो एक ही वीडियो होगी। अभी भी वो कलर वगैरह करेंगे ना, इधर साइडों पे ज़्यादा नहीं करेंगे, सारी दीवार को नहीं, बाकी थोड़े बहुत गुल वगैरह निकालेंगे। इसमें ना आवाज़ नहीं होगा, ऐसे ही गाइस हमने मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसमें हम काम दिखा रहे हैं, बाकी जो हम काम करें उसके मतलब साउंड वगैरह होगा। भाई बैकग्राउंड एक मैं अच्छा सा डाल दूंगा तो वो वीडियो मेरी वॉच करना, इंशाल्लाह मुझे ऐसे लगता है कि मिलियन में जाएगी, क्योंकि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने ये घर दिखाया है कंप्लीट होने में। वो तकरीबन दो तीन चार दिन में मैं अपलोड इंशाल्लाह करूँगा, जब ये जो कलर वगैरह हम करेंगे उसी के बाद ही। और इसी घर में अभी तक गाइस अच्छा खासा काम है, ऐसे नहीं कि काम कंप्लीट हो गया है, तो वो इंशाल्लाह अब हम इस तरह से आराम से करेंगे। जैसे कि ये आंगन की जो दीवार है ना इस पर अभी कोई काम नहीं है, इस पर कलर वगैरह भी हो गया। अब इधर पौधे डालने, एक इधर पौधा डालूंगा, एक इधर पौधा डालूंगा, बाकी इस पर ना सफेद कलर करेंगे उसी के बाद ही। जो कलर हम लेके आएंगे ना वो ये सोच रहे हैं एक लाल एक ग्रीन कलर, ये दो लेके आएंगे तो पौधे मतलब स्किन अच्छे बनते हैं, वो हम स्किन मतलब इधर फूल वगैरह ना वो निकालेंगे। जैसे गाइस ये ना हमने सेफ्टी के लिए डाल दिए, अभी भी ये बहुत बड़े, इधर देखो गाइस इधर अच्छा नहीं है, मतलब सेफ्टी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरफ सारी अच्छी हो गई। देखो गाइस इधर ज़्यादा कांटे वगैरह नहीं है, इधर हमने कांटे वगैरह ज़्यादा डाल दिए। और बैर का बंदा भी मतलब आसानी से पहले की तरह नहीं देख सकता, पहले ना मतलब जो भी बंदा आता था ना वो देख सकता था। और अभी भी इस तरफ भी डालनी है, इस तरफ ये देखो गाइस मैंने ज़्यादा काट के डाल दिए। और अभी भी ये मतलब सार काट के जो कीकड़ का पेड़ पड़ा है वो सारे इधर चारों तरफ डाल देंगे। और मुर्गी के गाइस अंडे देखते हैं कितने, अंडे गाइस है ही नहीं बिल्कुल, एक अंडा दो तीन अंडे थे वो मुर्गी ने खुद ने खा लिए पता नहीं क्यों, और अभी अंडे बिल्कुल नहीं है। तो इंशाल्लाह पहर से अंडे देगी कहाँ जाएगी।
और जैसे गाइस कीकड़ का पेड़ है उसकी जो लकड़ी है वो पहले मैंने नहीं निकाली, लेकिन बाद में मैंने दो तीन निकाल दिए और भी मैं दो तीन निकाल दूंगा। ये देखो इस तरह मैंने और बड़ी कर दी, और अभी मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि कीकड़ का पेड़ कितना बड़ा है कितना नहीं है। और ये दोनों हमारे मुर्गे भी हैं, काँव काँव कर रही है लेकिन छारे भी नहीं बैठती, गोरी अंडे छोड़ेंगे छारे बैठेगी। तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि सेफ्टी हमारी कैसी हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी। तो 1600 रुपये में ये सेफ्टी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। तक अब मैंने कहा था हमें तकरीबन 3-4 माह टेंशन नहीं है, 3-4 माह के बाद पैसे मतलब 2-3-4 उतरवा देंगे, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। ऐसे कहा ये कीकर का पेड़ एक पड़ा है, मतलब ये जो पूरी गड्ढागाड़ी है वो है, दूसरी ये गड्ढागाड़ी है, लेकिन वो ये नहीं है गाइस, मक्खियाँ ये नहीं उड़ी है, ये अभी तक बैठी है। तो आज भी कोशिश करते हैं धुआं वगैरह डालते हैं शायद उड़ जाए, और इससे मुझे इतना डर लगता है गाइस ये काटती है और सारा चेहरा वगैरह ख़राब हो जाता है। मंडी लगती है हमारे शहर में, सही है। तो आज के दिन तो कल था जुम्मा, आज हफ्ता कहते हैं मेरे ख्याल से, तो हफ्ते का दिन है, कल होगा इतवार, तो आज है मंडी लगती है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि एक बकरी लेके आऊँ, पैसे थोड़े कम में शायद मिल जाए, क्योंकि दूध के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। पहले जैसे अगर इस शॉप से मिलता था तो ये नज़दीक था, तो उस वजह से हमें खास टेंशन नहीं था, लेके आते थे। अब बहुत दूर जाना पड़ता है दूध के लिए, तो हम कहते हैं कि एक बकरी ले लें तो 2-3 टाइम की हम चाय अच्छे से पियेंगे। तो ये सेफ्टी गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। ये जो कांटे पड़े ना ये मैं साइडों में डालूंगा, और भी इधर में इस तरह ये डालूंगा, उसी के बाद पैर से कीकड़ पैर डालूंगा तो ये थोड़ा ऊपर देखने में आता है। तो ये देखो गाइस हमारे सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया है, मतलब इधर से बंदा वगैरह नहीं गुजर सकता क्योंकि इसमें कांटे तो लग जाते हैं, इधर से कोई नहीं गुजर सकता। तो ये मिट्टी पड़ी गाइस, ये मिट्टी हम ये सोच रहे हैं ये सारी मिट्टी उठा के अंदर डाल देते हैं, उसी के बाद ये घंटी बंद कर देते हैं। ये घंटी हमें खास अच्छी नहीं लगती, वो घंटी एक ही सही है। तो इधर भी कीकड़ के पैर और डालने, इधर आगे भी, और घर की बैक साइड पे साइडों पे अभी भी प्लस्तर की जरूरत है, लेकिन अभी खास टेंशन नहीं है, अब हम सुकून से ही करेंगे। अब ना आपको पता है बारिश की सीज़न नहीं है, तो जब बारिश की सीज़न आएगी तब तक इसको हम बहुत अच्छा खूबसूरत कर देंगे। इधर हम बनाएंगे किचन, जैसे आप भी कह रहे थे कि इधर किचन बनाना, तो इंशाल्लाह हम खूबसूरत करके एक छोटा सा बनाएंगे, छोटा किचन लेकिन खूबसूरत करके एक अच्छा सा किचन बनाएंगे। एक और सरप्राइज गाइस, आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, हम ने एक मस्जिद भी बनाएंगे छोटी सी करके, 3-4 बंदे ना मतलब नमाज पढ़ सकें, वो कच्ची मस्जिद बनाएंगे, मिट्टी की मस्जिद बनाएंगे और खूबसूरत करके बहुत अच्छी बनाएंगे। हम इतनी कोशिश करेंगे गाइस इस घर से किचन से ना मस्जिद को खूबसूरत करके अच्छी बनाएं। तो गाइस आप बताएं कि मस्जिद हम कहाँ बनाएं, इधर बनाएं, इधर बनाएं, इधर आगे बनाएं, या इधर किधर बनाएं, या घर की बैक साइड पे बनाएं, या साइड पे बनाएं। तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना कि मस्जिद हम किस तरफ बनाएं। तो मस्जिद हमने सोची है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मस्जिद भी बनाएंगे, किचन भी बनाएंगे, लेकिन पहले ना ये घर का जो काम है ये कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद ये दोनों इंशाल्लाह बनाएंगे। गाइस गोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये देखो गाइस माशाल्लाह ज्यादा खुशी हो रही नहीं इस घर में ज्यादा खुशी हो रही है ना। वो घर अच्छे नहीं लगते नहीं, कि खिड़कियों पे ना आप पर्दे भी डालना, तो इस तरफ मैं सोच रहा हूँ एक पर्दा डालूं, एक पर्दा उस तरफ भी डालेंगे, तो इस घर को इंशाल्लाह इस तरह करके ना और ज्यादा खूबसूरत हम करेंगे। जैसे गाइस मैंने ना होम टूर आपको कंप्लीट करवा दिया, और चारपाई लेके आई वो भी मैंने आपको दिखा दी, एक चारपाई हमारे इस घर में पड़ी, दो उस घर में पड़ी, तो एक ये पड़ी, कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो सोएगा, तो अगर 2-3 आ गए तो हम नीचे सोएंगे, मेहमान को चारपाई पे सुलाएंगे। और मैं गया गाइस शहर, तो शहर से मैं आ गया हूँ वापसी, और एक है गुड न्यूज आपको गाइस मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ लेके आया हूँ। ये तो पौधे हैं, इनकी इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं दो मतलब पौधे लेके आया हूँ, तो ये इसमें फूल बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, जब बड़े थोड़े हो जाएंगे उसी के बाद इसमें बहुत अच्छे फूल लगते हैं। तो दो ये मैं लेके आया, दोनों ये मैं किधर डालूंगा गाइस, इधर एक इधर डालूंगा, एक इधर डालूंगा। और ये देखो गाइस हमारी बकरी माशाल्लाह, बहुत दिनों से वेट था गोरी को मुझे, अब हमारी बकरी आ गई है, तनला बैठी अच्छे से दूध पिएगी, हमारी चाय भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखो गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छी बकरी मैं लेके आया हूँ। गाइस जानवरों में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मेरे ख्याल से ये बकरी अच्छी है, दूध तकरीबन वो बंदा जो दे रहा था वो कह रहा था 1 किलो देती है, लेकिन 1 किलो नहीं देगी, मुझे ऐसे लगता है कि आधा किलो दूध देगी, आधा किलो दूध देगी, पहर भी मतलब बहुत अच्छा है और सही है, आधा किलो हमारे लिए सही है, आधा किलो सुबह देगी, आधा किलो शाम देगी, पहर भी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी चाय भी अच्छी बन जाएगी, तनिला बेटी पिएगी। तो माशाल्लाह बकरी तो बहुत अच्छी मुझे लगी, तकरीबन 3-4 घंटे तक ना मैंने रेट पूछा एक दूसरी, मतलब कोई मुझे ना अच्छी बकरी नहीं मिल रही थी कम रेट में, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिली है। मैंने ये सोचा कि 15-16 हज़ार तक मिल जाएगी, ये बकरी मुझे मिली 22 हज़ार रुपये की, 22 हज़ार रकम होती है गाइस, और बहुत ज़्यादा महंगी थी। मैंने सुबह चला गया, जैसे मैंने व्लॉग को मतलब बना दिया ना उसी के बाद मैं चला गया, तो अभी तकरीबन दिन के बज रहे 2:30 बजे मैं वापसी आया हूँ।
तो ये दो पौधे लेके आया हूँ, घर का अट्टा नहीं था वो अट्टा भी लेके आया हूँ, और ये बकरी भी मैं लेके आया हूँ 22,000 रुपये की। तो तकरीबन मैंने 2-3-4 घंटे तक मैं वो मंडी थी उसके अंदर में घूमा, लेकिन कोई मुझे अच्छी बकरी नहीं मिल रही थी, तो ये मुझे अच्छी लगी। दूध के लिए इनका हमारे लिए मतलब सही हो गया है, आसानी हो गई है। पहले हम पाउडर की चाय पीते थे तो तंदीले बेटी भी मतलब दूध नहीं पीती थी, अगर दूध वगैरह हम लेने जाते थे तो बहुत दूर जाते थे, तो अब वो सहूलत हो गई है हमारे। अभी तक हमने कोई चीज़ इसको नहीं दी है, इसको रोटी वगैरह जो बच जाएगी वो भी देंगे। इधर बैर में लेके जाऊंगा, इधर ना मतलब घास वगैरह थोड़ा बहुत है, और मैं इसके लिए चारा भी लेके आया हूँ, वो चारा भी इसको देंगे। अभी तक हमने दूध नहीं निकाला, तो अब हमने गोरी से दूध निकालेगी, पता चल जाएगा कि कितना दूध निकलता है, लेकिन ये एक दो दिन में पता नहीं चलेगा, कल परसों तक पता चलेगा कि एक टाइम पर दूध कितना देती है। तो अभी दूध गोरी निकालेगी, चाय बनाएंगे, तंजिला बेटी को पिलाएंगे। सुबह अपन गोरी जा रही है, इससे दूध निकालेगी, तो इस टाइम वैसे दूध ज़्यादा निकलेगा क्योंकि उन्होंने ना मतलब दूध नहीं निकाला होगा, तो ज़्यादा पैसे करें तो उससे ज़्यादा। ये अभी ऊपर नहीं हो रही तो अपन का गोरी निकल रही, दूध निकलता है नहीं निकल रहा है ना, कितना होगा दूध आपके हिसाब से? आधा किलो होगा? आधा किलो नहीं, मेरे ख्याल आधा किलो देगी, वो कह रहा है 1 किलो देगी, मुझे उस टाइम पता चल गया, मैंने 1 किलो कह रहा है, आधा किलो होगा इसमें तो कह रहा हमारी चाय बहुत अच्छी बन जाएगी, कितनी 2 ही कप होती है एक टाइम की। तो अभी गोरी निकल रही दूध, माशाल्लाह बकरी बहुत ही अच्छी है, इसको खिलाएं पिलाएंगे ये और ज़्यादा दूध देगा, है ना? हाँ जी। तो दूध ना हमने इतना निकाल दिया है, इस टाइम तक आधे आधे कप हम चाय पियेंगे तो अच्छी बन जाएगी, ऐसे ही हो रही। तो पहर शाम को देखेंगे, इससे पहर शाम को दूध निकालेंगे, पहर सुबह दूध निकालेंगे, तो उस तरह इससे अभी दूध निकालते जाएंगे। गोरी बनाएगी चाय, तो अभी दूध लेके जा रही है, और हमारा किचन भी देखो गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप गाइस ऐसे कमेंट नहीं किया करें कि आप कहते हो कि आपका गंदा होता है किचन, तो ये नीचे फर्श है ना, तो इसको ना हम धुलाई करेंगे ऐसे ही गोरी, क्योंकि इसको ना ये जो हमारे बर्तन है वो काले थोड़े बहुत होते हैं नीचे से, तो उस वजह से ये थोड़ा बहुत काला हो गया है, इसको हम साफ करें। सुबह अपन गोरी बना रही चाय, चल के देखते हैं कि चाय बना दिए कि नहीं, उसी के बाद हम दोनों पियेंगे चाय। तो माशाल्लाह गाइस अब ना हमारी चाय बनने वाली है, तो आज अच्छी चाय बनेगी गोरी। हाँ जी। दूध है दूध नहीं। हाँ। तो बेटी भी रो रही है, उसको मैं देखता हूँ ऐसे कि वो गिर जाए, क्योंकि वो चार पाई पे उसी के बाद चाय पीते हैं, चाय पी के ये पौधे डाल देंगे। और तंजिला बेटी ओए इसे मेरा बेटा गिर जाता, मेरा क्यूट सा बेटा गिर जाता। तो अपने तंजिला बेटी भी आ गई है, उधर एक थी तो इधर लेके आए, तो ये इसको चाय पिलाओगी, थोड़ी सी पिला देना। नहीं सोदा अपन चाय तैयार, एक कप गोरी का एक मेरा, और अब पीते हैं, तंजिला बेटी पिएगी। लेकिन भूसा लेके आए, ये वो भूसा भी दे रहे हैं, इसको घास वगैरह ये सारी चीज़ें ना देंगे, तो ये अच्छे से खाएगी, इस तरह में मिक्स करके देता हूँ। ये दो गाय सभी ना ये खा रही है, तो ये चीज़ें इसको खिलाएंगे, ये तैयार हो जाएगी। हमने बकरी को खिला पिला के फुल कर दिया, मेरे ख्याल से फुल हो गई है, तो इसको ना हम इंशाल्लाह खाना पीना ज़्यादा देंगे, ये सेट हो जाएगी, ऐसे ही हो रही। तो और इस टाइम का शाम के बजे ने 4:30, और ब्लॉग कर देंगे इधर एंड। अभी भी कुछ काम है, शायद मैंने इसके सेफ्टी के लिए 4 दीवारी सेट करूँ इस तरफ, और ये पौधे भी अभी मैं डालूंगा, तो ये इंशाल्लाह आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। ये देखो गाइस फिंगर चूस रही है तंजिला बेटी, क्या कर रही हो? सो अपने से ब्लॉग करें इधर एंड तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।